जय हिंद दोस्तों। लार्ज कैप का स्टॉक जो 59 नंबर पर रैंक कर रहा है, बर्जर पेंट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले अपडेट लेंगे, पिछली बार हमने बर्जर पेंट्स पे कब स्टडी की थी, और हमने स्टडी की थी 12 मार्च 2021, और वीडियो नंबर 147 आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। एंड वहाँ पर हमें क्लियरली क्या देखने मिला था, हमें क्लियरली ये देखने मिला था कि स्टॉक जो है अगर 740 के ऊपर तेजी कायम करता है, 740 के ऊपर निकलता है, तो स्टॉक 775 से लेके 810 के आसपास जा सकता है। एंड मैं अपडेट आपको देना चाहूंगा, 12 मार्च को हमने स्टडी की थी, एग्जैक्टली 31 मार्च को स्टॉक ने जो हाई लगा दिया था, जो हमारी शुरुआती रेंज थी 775, उसके पास जाके सेटल हो गया। फिर वहां से फिर से करेक्शन का एक दौर आया, लोगों को फिर से खरीदने का मौका मिला, एंड प्रेजेंटली स्टॉक जो है एग्जैक्टली हमारी जो हायर रेंज है उसके आसपास का एक हाई लगा दिया है 801 रुपए का। ओके, सो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई थी, पैसे कमाए थे, उन सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज हम फिर से फ्रेश स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है बर्जर पेंट्स के लिए। और मार्केट कैप 76,810 करोड़, स्टॉक की पीई 125, 52 वीक लो 440 और 52 वीक हाई 825। अब क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने हैं और उन्हें हम चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पिछले 4 क्वार्टर्स का नंबर कंपेयर करेंगे। मार्च 2020 में पोस्ट किया था 206, फिर जून 2020 में गिरावट आई थी, 88 करोड़ का नंबर पोस्ट किया था, फिर बड़ा बाउंस बैक 334 करोड़ का नंबर, एंड दिसंबर में 415 करोड़ का सबसे बड़ा और बेहतरीन नंबर। सो पिछले चारों क्वार्टर का बेस्ट नंबर ये है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च में कितना था, 159, फिर गिरावट आई 33, फिर एक बड़ा उछाल 293, फिर और एक बड़ा उछाल 370 करोड़। सो पिछले चारों क्वार्टर का बेस्ट नंबर 370 करोड़। नेट प्रॉफिट 104 करोड़ था मार्च में, फिर गिरावट आई 15 करोड़, फिर बड़ा उछाल 221 करोड़, एंड फिर से और एक बड़ा उछाल 275 करोड़। अर्निंग्स पर शेयर 1.07 था मार्च में, फिर गिरावट आई 0.16, फिर बड़ा उछाल 2.27, एंड फिर से बड़ा उछाल 2.85। मैं यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपका हाईलाइट मतलब आपका ध्यान लाना चाहूँगा, वो ये है कि दिसंबर 2020 के जो नंबर्स थे ना, सिर्फ पिछले चार क्वार्टर्स के बेस्ट नहीं थे, मार्च 2018 से जब से हमारे पास डाटा यहाँ पे डिस्प्ले है ना, वो तब से तब तक के बेस्ट नंबर है। आप देख लीजिए 415 पहले कभी पोस्ट किया है, मार्च 2018 के बाद 415 नहीं, सो दिसंबर 2020 बेस्ट नंबर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट नंबर है 370 करोड़, सो 370 करोड़ कभी पोस्ट किया है देख लीजिए पहले नहीं, सो दिसंबर 2020 बेस्ट नंबर। फिर नेट प्रॉफिट में हाईएस्ट क्या पोस्ट किया है, 275, 275 कभी पोस्ट किया है पहले नहीं किया है, सो बेस्ट नंबर। वापिस 2.83 का ईपीएस पहले कभी पोस्ट किया है देख लीजिए, मार्च 2018 के बाद नहीं। सो कहने का मतलब है कंपनी जो है एक अलग रेंज में चली गई है, अलग जोन में चली गई है, एंड हर क्वार्टर में अपने आप को कह सकते हैं लाइक बीट करने की कोशिश, मतलब जून 2020 क्वार्टर को छोड़ दे, वो एक्सेप्शनल क्वार्टर था सभी को पता है क्यों, सो उसको छोड़ दे तो बाकी आप नंबर्स देख सकते हैं किस तरह धीरे धीरे करके ऊपर निकल रही है कंपनी नंबर्स के लिहाज से। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, बोरोइंग्स 855 करोड़ का छोटा सा कर्ज, एंड मार्केट कैप 76,000 करोड़ का। सो 76,000 करोड़ के सामने छोटा सा 850 करोड़ का कर्ज एंड 5,260 करोड़ के एसेट्स, ये बढ़िया बात कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स का फोकस देखिए स्टॉक के ऊपर, 75% की होल्डिंग इक्विटी जो है प्रमोटर्स के पास है, विदेशी संस्था है 11.24%, घरेलू संस्था है 4.02%, एंड 9.75% पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने दबा कर अब तक जो है स्टॉक के ऊपर पैसा कमाया है, एंड एशियन पेंट का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है स्टॉक, ठीक है। अब फिर से जाएंगे बर्जर पेंट के चार्ट पे एंड फ्रेश स्टडी हम करेंगे एक, और जानने की कोशिश करेंगे लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है इन द कमिंग डेज। और शुरुआत करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे एक बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ का जो हाई पॉइंट है उसके साथ हम लो पॉइंट को जोड़ेंगे। तो देखने मिलता है यहाँ पर जो है, यहाँ का जो दिन है 14 मई, माफ कीजिएगा 14 मई को ब्रेकआउट हुआ, एंड उसी लाइन जो ट्रेंड लाइन थी वहीं के आसपास स्टॉक बंद हुआ, एंड नेक्स्ट डे 17 मई एग्जैक्टली उसके ऊपर निकला, एंड उसी के ऊपर एक नया ट्रेंड बना के एक नए जोन में जाकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर भी स्टॉक ने क्या किया, फॉलिंग ट्रेंड लाइन में काम करते हुए हुए यहाँ पर स्टॉक ने अपनी पैटर्न जो है कंप्लीट कर दी, यहाँ पर एक कर्व लगा दिया, फिर यहाँ पर भी एक और एक कर्व लगा दिया देख लीजिए, तो दो कर्व बना दिए स्टॉक ने आराम से, दोनों कर्व बना दिए। अब आगे जाएंगे इन द कमिंग डेज स्टॉक ने क्या किया है, पिछले सेशन में एक हाई लगा दिया है, वो पिछले कुछ दिनों का हाई है, और वो जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है अभी, और वो लेवल है 801, 801, इसके ऊपर ध्यान रखना है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो 801 रुपये सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। सो जिस किसी को भी इसमें पोजिशनल
ट्रेड करना है 801 रुपये का, आप एक अलर्ट सेट कर सकते हैं सो दैट 801 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा तब स्टॉक में हरकत होगी। एंड 801 को जब स्टॉक निकाल देगा तो जो टारगेट देखने मिल सकते हैं या जिस रेंज में स्टॉक जाके सेटल हो सकता है पिछली बार की तरह जैसे हमने स्टडी किया था, और वो रेंज है ये 840 से लेके 880, यहाँ तक आराम से स्टॉक जो है जाकर बैठ सकता है, सेटल हो सकता है, ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। एंड इस ट्रेड के ऊपर अगर किसी को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है, स्टॉप लॉस मैं बता दूं और वो है ये, और वो है 765, 765 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस ट्रेड पे। ओके, एंड जैसे धीरे धीरे करके अगर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता जाए तो आप जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, मतलब जो आपने पैसे अब तक कमाए हैं उसे प्रोटेक्ट करना है आपको। ओके, इस बात को समझिए, 765 का स्टॉप लॉस प्रेजेंट लेवल्स के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बट धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है ऊपर की तरफ, गेंस को प्रोटेक्ट करना है। नाउ अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है, ये एक इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, लाइक सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब हर महीने 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदते हो, सो गिरावट होती है तो कौन से लेवल के आसपास आप ऐड कर सकते हो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला लेवल है 740 एंड देन 700 फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन अमंग एनी वन। 740 एंड 700 इस लेवल के आसपास मिलता है तो बेशक आप लंबे अवधि का नजरिया है तो धीरे धीरे करके एक्यूमलेट कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो ये है बिल्कुल ही सिंपल सरल और सिंप्लीफाइड एनालिसिस बर्जर पेंट के बारे में। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।